ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹਾਊ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਕਮ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਟਰਾਈ ਇਨ ਐਂਡ ਐਫਰਟਸ ਇਨ ਫੁੱਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਪ ਭਈਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਲਤੇ ਹੋ ਅਚੀਵ ਟਾਰਗੇਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ अरे वाह 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 कमाल कर दिया। विद ट्राई टू फ्रेंडशिप विद इंडिया आई थिंक पाकिस्तान सॉरी हाउ विल कम प्रोस्पेरिटी इन पाकिस्तान व्हाट डू यू थिंक? जस्ट वेट, इंग्लिश में करेंगे उर्दू में? इंग्लिश में नहीं, सॉरी वो होगी। आप मुझे फिक्रा बता दें, मैं आपको नहीं, आप दो मिनट नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं जी, फिर कर लेंगे। हाँ कर लें, तुम्हें करना है तो कर लें, फिर राजे रियाज की तरह आप चलाएंगे। हाउ विल कम द प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान? प्रॉस्पेरिटी आप पहले आप मुझे बता दें कि आपने और क्या क्या लाइन। सिर्फ ये सेगमेंट है, बस छोटा सा है। How will come the prosperity in Pakistan? All the parties should work together and they should English mein zara nahi, English mein karna karna chahunga nahi, segment thoda English mein na, 1 minute ke liye, 1 minute ka segment na dena chahunga. Waise main waise bol bhi sakta hu, British national mujhe aati bhi hai. Kuch to bolo, khafa kyu ho gaye? Aur apne mulk mein jab hoga to main apni zuban mein dunga. हाँ जी, थोड़ा नहीं, अगर ना दूँ तो आप क्या करेंगे? नहीं अगर ना दूँ तो आप क्या शो क्या करना चाहते हैं? How will come prosperity in Pakistan? Or what your suggestion about it? English channel है आपका? आपका English channel? नहीं, नहीं, प्रोग्राम। अच्छा प्रोग्राम सिर्फ एक मेशी इंग्लिश में जवाब दीजिएगा, आती नहीं कोई बात नहीं। हम लोग अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हर रोज नए इकदाम कर रहे हैं। इंग्लिश में आप बात कर सकती हैं, दो लाइनें सिर्फ अगर कर सकते। नहीं आप उर्दू में ही कर रहे हैं। फैक्ट ऑन आवर इंटेग्रिटी बाय अ ड्रोन अटैक्स ऑफ अमेरिकन, व्हाट योर सजेशन अबाउट इट? वी शुड केयरफुल आवर चिल्ड्रन यंगर्स बिकॉज एवरीबडी कॉन मिस्टेक देम। अंग्रेजी कमाल की बोलती है मिश। नो मतलब नो वन कैन मिस्टेक। हाउ विल कम द प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान? आई थिंक सो प्रॉस्पेरिटी विल कम इन पाकिस्तान व्हेन वी विल इज अ बिग मार्क ऑफ द यू कैन से Honesty of India. अरकिन असेंबली की जाली डिग्रियों के कई स्कैंडल सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ अजीबोगरीब जालसाजियां भी सामने आ रही हैं। गुजरात से मुस्लिम लीग काफ के एमपीए तारिक महमूद ने मैट्रिक के बगैर बीए कर लिया। हैरानगुन बात यह है कि उन्होंने बीए पहले और एफए बाद में किया। मियां तारिक महमूद ने पंजाब असेंबली के हल्का 113 गुजरात से 2008 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। रिकॉर्ड के मुताबिक मियां तारिक महमूद ने 2003 में पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की, जबकि उससे एक साल पहले वो मैट्रिक के इम्तहान में नाकाम हुए थे। उन्होंने एफए की सनद 2004 में हासिल की। तालीमी असनाद के मुताबिक उन्होंने सरगोधा बोर्ड से 1971 में रोल नंबर 178-34 के तहत मैट्रिक के इम्तहानात में हिस्सा लिया, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने 2002 में रोल नंबर 747-04 के तहत लाहौर बोर्ड से मैट्रिक का इम्तहान दिया और उसमें भी फेल हुए, लेकिन अगले ही साल उन्होंने हैरानकुन तौर पर बीए की डिग्री हासिल कर ली और उसके तहत 2008 भी लिया। तहम ये बात सामने आई है कि ये डिग्री उनके हमनाम गुजरात के ही नौजवान तारिक महमूद की है, जिसने मुंतखब एमपीए के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म तारिक महमूद का कहना है कि उसकी डिग्री 2002 में इस्तेमाल की गई, जिसका उसे 2009 में पता चला। उन्होंने ये बात दुनिया न्यूज से बातचीत करते हुए कही। 2002 में क्योंकि मियां साहब जो थे वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके थे, इसीलिए वो उनका बीए नहीं था,
تو جب مجھے میری ڈگری استعمال کی انہوں نے 2003 میں ان کے داخلہ فارم میں, تو مجھے یہ 2009 میں پتہ چلا ہے. میں تو ایک غریب آدمی ہوں, میرے والد صاحب نے بڑی محنت کر کے مجھے جو ہے نا پڑھایا ہے, اور میرے ڈاکومنٹ خراب ہو جائیں گے. میں نے جو پتہ کیا ادھر سے یونیورسٹی سے, تو ان نے داخلہ فارم جو بھیجا ہوا ہے بی اے کے لیے اپنا 2003 میں, ادھر انہوں نے میری جو ایف اے کی سند ہے وہ استعمال کی ہوئی ہے.